अमेजॉन का जो नाम है उसका पहले नाम क्या था? फुटबॉल खेलते समय आप कितने दूर तक चलते हैं? समुद्र के अंदर कितने पेड़ पौधे हैं? सबसे अधिक क्राइम कहाँ होते हैं? वीडियो के अंत तक बने, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। गाइस, सबसे अधिक क्राइम रेट जो होता है, यानी कि क्रिमिनल डकैत जो सबसे अधिक होता है, जो भी क्राइम होता है वह सबसे अधिक किस देशों में होता है, उस देश का क्या नाम है? बहुत, यानी कि बहुत अच्छे देश है, आज जाने वाले देश, लेकिन वहाँ पर सबसे अधिक क्राइम होता है, खूना खतरे से लेकर जो भी क्राइम हो, लेकिन सबसे अधिक वहाँ पर होता है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी एक ऐसा मात्र है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम रेट कहने जाने वाला वह देश है। गाइस, जो फुटबॉल खेला जाता है उस फुटबॉल में एक व्यक्ति कितना किलोमीटर चलता है? आप कहेंगे कोई खास किलोमीटर नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक औसत निकाला गया है कि जो फुटबॉल होता है उसमें पूरे, यानी कि जितने समय लगता है खेलने में, उसमें 14 किलोमीटर, यानी कि आप उसमें चल लेते हैं, जितना फुटबॉल समय में खेला जाता है उतने में आप 14 किलोमीटर चल जाते हैं। मेरे गाइस, कोई ना कोई व्यक्ति वह जो है बाएं हाथ से लिखते हैं, दाहिने हाथ से लिखते हैं, लेकिन आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि पूरे वर्ल्ड में बाएं हाथ से कितने व्यक्ति लिखते हैं और दाएं हाथ से कितने व्यक्ति लिखते हैं? आप किन हाथों से लिखते हैं? मैं चार सेक्शन लिख सकते हैं। जी हाँ, बाएं हाथ से लिखे जाने वाला व्यक्तियों की संख्या है 11%, यानी कि दुनिया वर्ल्ड में 11% है बाएं हाथ से लिखे जाने वाले हैं। आप किन हाथों से लिखते हैं? मैं चार सेक्शन लिख सकते हैं। गाइज, यानी कि पृथ्वी पर जितने पौधे हैं उन पौधों के मात्रा में समुद्र में जितने कितने पौधे हैं? आपने कभी देखे हुए हैं समुद्र के अंदर पौधे? आपने फिल्म या कुछ वीडियो में देखे होगा कि समुद्र के अंदर पौधे दिखाए जाते हैं। यह बात सच है कि समुद्र के अंदर पौधे हैं, समुद्री पौधे हैं, लेकिन कितने हैं? वह समुद्र के अंदर 85%, जितना पृथ्वी का पौधे है उसके 85% मात्रा समुद्र के अंदर पौधे हैं। गाइस, कौन ऐसा देश है जहां पर 200, यानी कि 200 से अधिक मात्रा, यानी कि लगभग 200 ज्वालामुखी अभी तक जल रहा है? वहां यह नहीं कि वहां खत्म हो चुका है, अभी जैसे कि समुद्र में पानी होता है और पानी रहता है, उसी प्रकार वहां ज्वालामुखी होता है कि वो जल रहा है, और 70% पहाड़ी इलाका से घिरे हुए है। जापान में 70% से लेकर, यानी कि पूरे पहाड़ी इलाका से घिरे हुए जापान, 200 ज्वालामुखी उसमें है। गाइज, क्या आप जानते हैं जो अमेजॉन कंपनी है, जो बहुत बड़ा प्रोडक्ट सेलर है, जो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट को पहुंचाता है, उसका पहले क्या नाम था? जब वो शुरुआती में अपना नाम रखा था, उसका क्या नाम रखा था अमेजॉन ने? अमेजॉन ने पहले दौर में वो नाम रखा था कि को, यानी कि काडाबरा, काडाबरा नाम था अमेजॉन का पहले, जो कि बाद में उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि बहुत बड़ा करना चाहिए, जो कि बाद में उनको लगा कि बहुत बड़ा जो अमेजॉन जंगल है तो उसके नाम पर अमेजॉन का संस्थापक। गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि भारत में 1 जनवरी जिस दिन आया, उस दिन हम लोग, आप लोगों ने घूमने जाते हैं कहीं पे, पिकनिक मनाने जाते हैं जंगलों में, कहीं पर जाते हैं स्थानों घूमने के लिए, लेकिन जापान में कुछ ऐसा खास होता है, आप जानकर चौंक जाएंगे। वहाँ पर जब 1 जनवरी आता है तो 108 घंटियों को मंदिरों में बांधकर उस, यानी कि दिन भर में उसे बजाया जाता है, उसी प्रकार वहाँ पर स्वागत किया जाता है 1 जनवरी का। गाइज, भारत देशों का लोकप्रिय खेल जो कि हॉकी है, लेकिन जापान जो देश है उसका लोकप्रिय खेल क्या है? वहाँ पर बहुत अजीब, यानी कि भारत में लोकप्रिय खेल हॉकी है, लेकिन अधिक मात्रा में क्रिकेट खेला जाता है। यहाँ रिकॉर्ड किया गया है हॉकी बहुत कम ही खेलते हैं लोग। कितना खेलते हैं आप चार सेक्शन में लिख सकते हैं। जापान में जो कि सुमो खेल हुआ और बेसबॉल जापान का लोकप्रिय खेल माना जाता है। गाइज, जापान में अक्सर यहाँ रिकॉर्ड किया गया है कि अमेजॉन का जो लकड़िया होता है जंगलों का, वह सबसे अधिक मात्रा में खरीदा जाता है, लेकिन वहाँ पर समुद्री इलाकों से बहुत घिरे हुए है भी जापान, लेकिन दुख की बात यह है कि जापान में समुद्र इलाकों से बहुत घिरा हुआ है जापान, लेकिन जो मछलियाँ वहाँ पर खरीदा जाता है 27% मछलियाँ किसी और देशों से खरीद कर जापान में लाया जाता है, इतने समुद्र घिरने के बाद। गाइज, एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में लोग जीते हैं, यह बात अच्छी है, लेकिन जैसे कि भारत देश है उसमें रिकॉर्ड किया गया कि 60 साल के अंतर्गत आप जी सकते हैं, उससे अधिक आप जी रहे हैं तो आपका यह
भाग्य ही कहा जाता है, जो कि भारत में कहा जाता है, लेकिन जापान में है वहां पर 82 यानी कि 82 साल तक आपको कम से कम जीना ही है। आप अधिक जी रहे हैं तो अपने नसीब से जीना है, ऐसा कहा जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।